Dana bina dana bina dana bina de मरा ना जाना मैं ओ ना जाना जाली जान दुख लगे ता तुझे संभाली दाना बिना दाना बिना दाना बिना जी तुम्हें करे आओ मेरा दाना बिना तेरे हजूर तुम देखे हम कृपा तेरे कम न तेरे नाय जेता तू दे तेता हकां बेआदर नहीं हम कह डर जाऊं दाना बिना दाना बिना दाना बिना जी तुम्हें दरिया मेरा दाना बिना जी सब तेरे पास आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में आनो आपे वेखे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस भावे नानका हुक्म सोई परवानो धन बिन धन बिन धन बिन तुम्हें दरिया मेरा धन बिन शरण विचारो, जय सिमरत गण काशी उधरी, ताको जासी उधारो। भयो टल थ्रू जाके सिमरन, हर निर्भय पद पाया। दुख हरताए विद को स्वामी, तय काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद, गज गराहते छूटा। नन्ना नाम कहाँ लो वरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने, निम्ख माह निस्तारा। नानक कहत चेत चिंतामन, तैं भी उतरस पारा। साध संगत। वाहिगुरु तरियां दी शरण गिरिया करानी सारे दुखों पापों तो बरी हुंदा है। इस विषय ते विचार चल रही है। गणका का प्रसंग बैकुंठा नूं गई, ध्रुव का प्रसंग चल रहा है। ध्रुव असदा खरे आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लीता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरेई कीता। डुडो लिका मां पूछे, तू सुहानी है कि सुनीता? सुहानी है जन्म दी नाम न भगती कर्म दड़ीता। किस उद्यम थे राज मिले, शत्रु ते होमन सब मीता। परमेश्वर आराधिए जिदू होइए पतित पुनीता। ध्रुव जिस वक्त माता तरी वालों कुछ चपेड़ां ते बोलियां दा दुख होया, अपनी माता पास सारी गल दसी। उसने समझाया, बेटा ठीक है, जो कुछ तेरी मासी कहती है दुरुस्त है। साडा पिछले जन्म दा तपस्या विच कोई विघ्न है। तपस्या कीती जरूर, राज कराने विच मेरा भी जन्म तेरा भी, पर असी बावजूद राज कराने विच जन्म लैण दे फिर भी दूर बैठे हैं। सानू हक नहीं मिल रहा। यही पछाण है पिछले तपस्या विच विघन दी। जे इंसान दे कपड़े च मैल पै जाए, साबण ला के धो दो सफा हो जाता। इसी तरह विघना नूं दूर करने वास्ते वाहिगुरू दा भजन है। ध्रुव दी माता ने उसके दिमाग में अच्छी तरह ये गल बिठा दी भी वाहिगुरू की भगती कीतियां सब कुछ ही मिलता है। परमेश्वर कहता मेरे चार किस्म के भगत हैं। एक दुनिया मंगते हैं, एक दीन मंगते हैं, एक मेरा मिलाप चाहते हैं, चौथे मैनू मिले हुए हैं। जिहड़े मिले हुए हैं उन्होंने तो करना तरना बाकी कुछ रह ही नहीं गया। वो तो मेरा रूप ही हैं। दास आनंद मेरो निज रूप, दर्शन निमखताप तरी मोचन, परसत करत मुक्त गहकूप। एहो जिहड़े सब दे विच मैनू देखण वाले, मेरे विच सब नूं देखण वाले, मेरे आनंद भगत नूं तो मेरा रूप ही हैं। इह जे भगतां दे दर्शन तिन्ने तापां नूं दूर करन नूं समर्थ होया करदे हैं। बाकी तीन किस्म दे रहे। पहले वो हैं जो भगती करके दुनिया चाहते हैं। दुनिया के किसी पदार्थ वास्ते वाहिगुरू की भगती करनी। सो उस तो अगले वो हैं जोड़े परलोक सुख वास्ते प्रभु का भजन करते हैं। तीजे वो विवेकी पुरुष हैं जिन्होंने अच्छी तरह ये समझ पै गई, सत सत का विवेक हो गया। सत वाहिगुरू, उस तो बिना सब कुछ असत ही है। सत नूं छोड़ के असत नूं मंगना तां इउं हुंदा है जिवें असलीयत नूं छोड़ के छां नूं आदमी दौड़े। सो इउं तीसरे दर्जे दे जिहड़े प्रभु मिलाप चाहुंदे हन। चौथे जिहड़े मिल चुके उन्हां दा तकालना खत्म है। सो इउं ध्रुव दी माता कहण लगी, बेटा वाहिगुरू अंतरयामी दी भगती विच सब कुछ ही है। तकड़ा होकर लग के भगती करे। भगती लगन तो बिना, शौक तो बिना नहीं हुंदी। इस करके वाहिगुरू की भगती विच ही सब कुछ है। जो मांगे सो शिव पावे, सेव हर के चरण रसैन। गुरु जी गुरु अर्जन देव महाराज वाहिगुरू के भजन नूं रसैन रूपियों कथन करते हैं। सेव हर के चरण रसैन जी, जो जो मांगे सोई सोई पावे। हर के चरण रसैन जी, जो जो मांगे सोई सोई पावे। रसायन जिस शख्स के पास कहते रसायन होवे उसनूं धंधा घाटा नहीं रहा करता। झूठिया रसायना झूठा तन दिंदियां हैं। लेकिन वाहिगुरू का भजन तो एक यही जी रसायन है जिहदे विच सब कुछ ही दीन दुनी आ जाता है अगर तकड़ा होकर भजन करे। इउं फरमाउंदे हन साहिब गुरु अर्जन देव महाराज, रसना गुण गोपाल नित गायण, शांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख भुलायण। जो जो मांगै सोई सोई पावै, सेव हर के चरण रसायण। जन्म मरण दुहु ते छूटै, भवजल जगत तरायण। खोजत खोजत तत विचारियो, दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। अविनाशी पदवी एक नासी पदवी होंदी है जिहड़ी नाश हो जाने वाली है। ए दुनिया के राज भाग देखते नहीं, नाश हो जाने वाले हैं। एक इहो जिहा राज है अविनाशी राज जिहदा कदे नाश नहीं हुंदा। सो गुरु जी कहने होर तां क्या है, अगर तो अविनाशी पदवी जिहड़ी पदवी कदे नाश ना होवे, इहो जी पदवी तू चमना है। सदा ही नारायण परमेश्वर का भजन कर, वो भी तेनों मिल जाएगी। पहुँचो ना अयोध्या। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा हैं, राजा दशरथ के पुत्र। विष्णु भगवान का 14 कला अवतार भी मन्ने हैं। अज उन्होंने सभा लगी है, राज दरबार लग्या है और उन्होंने वजीर मशीर हलकार बैठे हैं, जिथे ऋषि मुनि महात्मा भी उन्होंने सभा च बैठे हुए हैं। उन्होंने कुल के गुरु वशिष्ठ जी भी बैठे हुए हैं। रामचंद्र जी ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੱਸਦਿਆਂ देख के वशिष्ठ जी पूछन लगे, राम जी आपके हसन का की कारण, क्यों हसते हो? ये वचन सुन के श्री रामचंद्र जी कहन लगे, मनीषा कंध उपर एक कीड़ा चढ़ रहा है जिस दिन पिछलियां 2 टंगां टुटियां हुई हैं, उन्हां विच बल नहीं, ताकत नहीं, इस करके कंध ते चढ़ नहीं हुंदा। चढ़न की कोशिश करदा गिर जांदा। इस नूं मैं देख के हसदा हां। वो कहंदे हसण दा की कारण, इहदे विच कीड़ा है, पिछलियां 2 टंगां टुटियां ने, बल नहीं, बल नहीं चढ़ हुंदा कंध ते, हसण दा की सबब? वो कहन लगे हसण का सबब यह है, ये 14 दफा स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुकिया है, हूँ कीड़ा बनया। यूँ हसदा 14 दफा स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुकिया, इंद्र पदवी प्राप्त कर चुकिया है, ये 33 करोड़ देवता का मालक, 96 करोड़ मेघमाला जिसके अधीन, हज़ारों पचरां हर वक्त राग रंग करने वाली जिसके अखाड़े विच, हज़ारां किन्नर गंधर्व गवैये रागी, किन्नर कहने तारां दे साज बजाउण वाले गवैयां नूं, गंधर्व जोड़ी याद चमड़े दे साज बजाउण वाले गवैयां दा नाम गंधर्व है। इहो जिहे जिस दे खाड़े हर वक्त राग रंग करते रहंदे। फिर नंदन बन जैसे बगीचे, जिस बगीचे का सानी 3 लोकां 14 भवनां विच कोई भी नहीं है, और हीरे लाल जवाहरात जड़ कितने कितने मंजिले मकानात, सुनहरी रुपहरी नहरां जिस दे नंदन बन विच चलदियां हन, कल्प वृक्ष काम थेन आदि, यानी जिस्मानी सुखों की अवधि है, रिकॉर्ड है। जितने जिस्मानी सुख स्वर्ग दे राज इंद्र नूं हर किसी ने, पर आश्चर्य बात है 14 दफा स्वर्ग का राजा इंद्र बनिया, हुण ये कीड़ा बनिया, टंगां टुटियां पिछलियां। आश्चर्य बात है किसी अविनाशी सुख नूं प्राप्त ना होया। जे अविनाशी अविनाशी उहनूं कहंदे जिहड़ा कदे नाश ना होवे। अविनाशी राज तां ना होया, नासी राज होया। गुरु जी कहते होर तो क्या है, जे तू अविनाशी पदवी भी चाहना है जिस राज का कदे भी नाश ना होवे, वो किनू प्राप्त होंदा? दास कबीर चढ़िओ गढ़ उपर, राज लियो अविनाशी। अविनाशी राज भगतां नूं प्राप्त होंदा है। उहदी बाबतियों फरमाउंदे हन, राज लियो अविनाशी हरि दियां भगतां ने, राज लियो अविनाशी हरि दियां भगतां ने। कबीर चढ़्यो गढ़ ऊपर राज लियो अविनाशी। वो अविनाशी राज हजरत ईसा पश्चिमी अवतार कहता है। हरिक के अंदर आसमानी बादशाही छुपी हुई है। सच्ची बादशाही हरिक इंसान के अंदर छुपी हुई है। जिसने परमेश्वर का भजन करके वाहिगुरू का भजन करके उसनों प्राप्त कर लिया, वो अविनाशी हो गया। उसकी बाबत इशारा है, दास कबीर चढ़्यो गढ़ ऊपर राज लियो अविनाशी। होर पातशाहियाँ कूड़ियाँ नाम रत्ते पातशाह, जिसनों बख्शे सिवसाला नानक पातशाही पातशाह। आयो गुरु जी फरमाते हैं, दौर तक की झूठे राजा की तक की गिनती है। जे तू अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। अगर अविनाशी पदवी भी चाहना है, सदा नारायण का परमेश्वर का भजन कर, तेनों वो भी मिल जाएगी। जैसी भावना रख के भजन करेंगे वैसा फल मिल जाएगा। सो इस तरीके से गुरु जी इत्थे वाहिगुरू के भजन नूं रसायण रूप कथन करते हैं। सेव हर के चरण रसायण जी जो जो मांगे सोई सोई। हर के चरण रसायण जी जो जो मांगे सोई सोई पावे। कथन किया गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वाहिगुरू के भजन नूं। साहब गुरु रामदास चौथे पातशाह जी वाहिगुरू के भजन नूं कहंदे ने, सारियां इच्छा पूरियां करता है। सारियां इच्छा पूरियां करन नूं समर्थ है वाहिगुरू का भजन। इयों फरमाउंदे हन, सबे इच्छा होण तेरियां पूरियां, सतनाम जप के वाहि। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਬਾਬਤਿਓਂ ਦਸ ਦਿਨ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ जा के वस हैं काम तेना, सो ऐसा हर ते आइए मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावें मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है। नित ध्याइए हर पुरख निरंजना, जै हर सिमरन भया तै उपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना, जन नानक कौ गुर ए मत दीनी। जप हर भौजल तरना। सोयो धरू की माता ने धरू नूं अच्छी तरह समझा के उहदे गल दिमाग विच बिठा दिती। बेटा वाहिगुरू दा भजन कीतियां सब कुछ ही मिलदा है, इहदे विचों सब कुछ ही प्राप्त हुंदा है, पर जरा लग के तकड़ा होके करन दी लोड़ है। सोयो उसके चित्त विच अच्छी तरह जिमें साफ कपड़ा होवे, रंग बड़ी जल्दी चढ़ जाता है। धरू बच्चा सी, मन उहदा बिल्कुल साफ सी, किसी इधरले उधरले होर बुरे असर उहदे मन ते अजे तक नहीं सन पए, क्योंकि जे होर असर पए हुण उह लाउणे पैंदे ने, फिर जाके एक रंग लाउणा फिर दूजा चढ़िया करदा। सो उह बिल्कुल कच्चा दुध सी अजे। सो उसनूं इन्हां बचनां दा इतना गहरा असर हो गया, पूरी लगन लग गई, पूरा शौक लग गया। शौक तो बिना, लगन तो बिना, प्रेम तो बिना भगती नहीं होया करती। अंते जबरदस्त लगन उहदे चित्त विच पैदा हो गई। दुनिया दे विच सियाणे लोगों का कथन है भी तीन मातावां मन्नियां ने। एक माता बाबे फरीद दी, एक राजे गोपी चंद दी ते धरू दी। फरीद दी माता पिछले दिनों ये प्रसंग तुसीं मुख्तसर तौर पर सुने ही है। उसने लगन लगाई फरीद नूं, जितनी देर तक फरीद मंजिले मकसूद ते नहीं पहुँच गया, उसकी माता ने कहा बेटा अजे वो दिल्ली दूर है, जिथे तक पहुँचना है, होर जाके मेहनत कर, होर कालना काल, होर कमाई कर। और फरीद फकीरां दा सरताज फकीर बनिया। इसी तरह ही राजे गोपी चंद नूं उसदी माता मैनावंती ने बार बार उपदेश करना बेटा सुपने विच राजा कंगाल बन गया, जागे तो वो राजा ही है। जे गरीब राजा बन गया सुपने विच, जागे तो फिर वो गरीब का गरीब ही। सुपने का राज भाग सुपन तक ही है। इसी तरह इत्थे दा जो कुछ है ये तां जिन्नी देर तक शरीर प्राण चलदे ने उदों तक ही है। कई दफ़ा तू सरग का राजा भी बने, कई दफ़ा नरकां दा कीड़ा भी बने, किसी अविनाशी सुख नूं प्राप्त ना होया, तां ते मानुख दे बड़ी मुश्किल प्राप्त हुई है। इस नूं पा के अविनाशी सुख की प्राप्ति वास्ते उपराला करना चाहिए है। आहिस्ता आहिस्ता रोज़ दे विचारां यही जी शिक्षा का असर गोपी चंद के दिल से इहो जिहा पिया। एक दिन जोगी बन गया, गोरखनाथ का चेला बन के पूर्ण पद नूं प्राप्त होया। उन्हां समय च लोग प्राणायाम कराया करते सन। सो उही गोपी चंद सी जदों गुरु बाबा जी सिद्धां नूं मिले समेर पर्बत ते। कई शांत चित्त सन, नहीं बहुत सारे रिद्धियां सिद्धियां विच उलझे हुए अग वांगू जलदे सन। शक्तियां प्राप्त हो गई सन, लेकिन शांत नहीं सी प्राप्त हुई। सब तो वड्डा सुख तिन्हां लोकां चौदां फवनां विच पीस ऑफ माइंड है, मन की शांति है, मन की ठंड है। क्या रहा मिलने से उसको जिसको चैन दिल का मिल गया, सब तो वड्डा पदार्थ है। सो इन्हां विच ए भी सी एक चंत योगी सन जिहड़े पूर्ण पद नूं प्राप्त होए और शांत चित्त हो चुके सन। नहीं बाकी दे रिद्धियां सिद्धियां दे चेटक विच फस के बंसा वांगू फुक रहे सन, शांत प्राप्त नहीं सी होई। सो इस करके गोपी चंद भी उन्हां मुखियां योगियां विचों सी जिन्हां नूं शांत प्राप्त हो चुकी सी। गुरु जी ने कहा गोपी चंद तू धन है जिसने राज भाग छड्ड के पूर्ण पद प्राप्त किया है। सो इन तीन ढाई मावां गिणियां, जे दोवें ਅੱਧਾ ਦਰਜਾ ਧਰੋਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਧਰੋਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। लेकिन जिस वक्त ਧਰੂ ने आज्ञा मंगी माता मैनू आज्ञा दो ताकि मैं किसी निर्जन बण विच पहुँच के एकांत थां विच पहुँच के प्रभु की आराधना करा, उसनू प्रसन्न कर लव, प्रसन्न करके राज भाग का वर लै लव। उसने आज्ञा मंगी। माता ने कहा अजे तू बच्चा है, न्याणा है, अजे तैथों तपस्या नहीं हो सकनी। तपस्या बड़ी मुश्किल चीज़ है। डूंगिया जंगलों में रहना, उत्थे कोई जंगली जानवर तेरी कोई ग्राही करेगा, वड्डा होकर तप भजन कर लवी। सो यूँ कुछ तो गल भी दुरुस्त सी, कुछ इस दे विच मोह ममता भी पाया जाता सी, जिस करके इसका अद्धा नंबर कटिया गया। तदे उन्हां मातावां नूं यूँ गुरबाणी विच बुलाया। तन तन ने जने दिया मावा जिन्हां दे पुत्र नाम जप। तन तन ने जने दिया जिन्हां दे पुत्र नाम जप दे। दिलों मोहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुखोर से कांढे कचिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेन दी माँ आए सफल से। उन्हां मातावां नूं इउं वडिआया है। गुरबाणी दूसरे पासे इउं भी कहती है, जय कुलपूत न ज्ञान विचारी, विधवा कस न पई महतारी। जिस कुल विच कोई ज्ञान विचार वाला भगती करन वाला पुत्र नहीं पैदा होया, उन्हों गुरबाणी कहती है इहो जी माता विधवा क्यों ना हो गई। अगे यूँ कहती है, जय नर राम भगत नहीं साधी, जन्मत कस ना मोयो अपराधी। जिस पुरुष ने वाहिगुरू की भगती नहीं की, यह ज अपराधी पुरुष जमदा ही क्यों ना मर गया। यूँ बाणी ताड़ना करके, ताड़ना दे लफ्ज़ कहती है, क्योंकि गुरबाणी माता रूप है। अपने बच्चों नूं माता कई दफा प्यार नाल समझाती है, कई दफ़ा उन्होंने नुक्स दूर करने वास्ते ताड़ना भी करती है, ताड़ना के लफ्ज़ भी कहती है। इसी तरह गुरबाणी उन्होंने जिन्होंने बच्चे भजन कर दिन वड्याउंदी है, दूसरी साइड ते उन्होंने ताड़ना द्वारा यह जो सख्त लफ्ज़ भी कहती है। तां आओ धरू दी माता ने लगनता धरू नूं लगाई। जिस वक्त धरू ने आग्ञा मंगी, माता जी मैनू आग्ञा दो ताकि मैं किसी एकांत निर्जन बण विच जाके प्रभु की भगती करा, भजन करा, भजन करके उसनू प्रसन्न कर लव, प्रसन्न करके मन पाउंदा वर लै लव। उस मौके माता कहण लगी, बेटा अजे बच्चा है, तेरी उम्र सिर्फ 5 साल दी है, तेथों अजे तपस्या आदि नहीं हो आनी, वड्डा हो के भजन तप कर लवी इत्याद उसनू रोक दिता। कुछ गल दुरुस्त भी सी, बाकी कुछ इस दे विच मोह ममता भी पाया जांदा सी। स्वयं मोह ममता विच आके अपने बच्चों नू जो चंगी शिक्षा नहीं दिंदे, और ठीक गल नहीं मनी जाती, उन्हां दा सुधार यही बेहतर गल मनी जाती है। स्वयं तनू ये वचन सुन के माता की आज्ञा तो बिना जा नहीं सी सकता, चुप हो गया। लेकिन ज्यों ज्यों उसनू रोकिया जाता है, उसकी लगन जबरदस्त होंदी चली जा रही है, ज़्यादा लगन बढ़ती चली जा रही है। एक एक दिन 100 वरे वर्गा गुजरता है। चाहता है कदों वक्त आवे मैं एकांत बन विच पहुँचा, पहुँच के भजन तप करके प्रभु नू प्रसन्न कर लवां। ऐर अखीर माता ने तो आग्ञा ना दिती, तुरंत एक दिन रही ना सोचा भी इं तो माता ने तो आग्ञा नहीं देनी, मेरा तो समा बीतता चलिया जा रहा। अद्धी रात का वक्त है, माता सुती पई कुराड़े मारती। तुरू ने सोचा भी हुण चलो चलिए जाके तपस्या करिए, जिन्हों लगन उसनू नींद भी किथे। उठिया, उठ के माता दे पलंग दे 4 फेरे परिक्रमा कीतियां, नमस्कार करके तुरू रोइयां नू तुर चलिया। बाहर चलिया करन तप मन वैरागी होए अतीता। मन हो किते वैरागी उठ चलिया, मन होए के वैरागी उठ चलिया। बाहर चलिया करन तप मन वैरागी होए अतीता। साध संगत कई जन्मां दे दुखां दा तजर्बा इस दे चित विच वैराग पैदा करता है। वैराग तो बिना माया नू तर नहीं सकींदा, ये नियम है, असूल है। कितना ही खटशास्त्री है, पंडित है, 4 वेदां दा ज्ञाता है, सब कुछ है, जेकर वैराग नहीं संसार समुद्र नू तरना बड़ा औखा है। जहाज़ तो बिना जिमें समुद्र नू नहीं तर सकींदा, इसी तरह संसार समुद्र नू वैराग तो बिना तर नहीं हुंदा। वैराग तो बिना मन तो माया लेंदी नहीं, माया लही तो बिना हिरदे विच प्रभु वाहिगुरू का निवास हुंदा नहीं। तां ते वैराग कई जन्मां दे दुखां दा तजर्बा इस दे चित्त विच वैराग पैदा करदा। दुख तो बिना वैराग हुंदा नहीं, इंसान दुख तो डरदा है। कई लोग कहंदे सन मेरे रब ने दुख क्यों बनाए। साध संग जे दुख ना हुंदे इंसान कदे अविनाशी सुख वल नूं तांदा ना, दुनियावी सुखां विच ही उलझ के अपना जन्म बर्बाद कर जांदा। जिन्हां नूं वैराग लग्गिआ है परमेश्वर वाल आए हैं, किसी दुख के कारण पे ही आए हैं। हाँ जी, तदे दुख नू दारू दुख दारू सुख रोग पिया दसे। देखो ना, महात्मा बुद्ध उन्होंने बाप शहजादा सिद्धारत कपिलवस्तु का शहजादा, सो जिसनों रहन वास्ते स्वर्ग जैसे मकानात, नंदनवन जैसे बगीचे, चार चफेरे मीलों तक चार दीवारी दे हद दे अंदर हर किस्म के सुख आराम उत्थे उसकी परवरिश हुई। उत्थे उसनूं जो राजपुत्रां नूं ट्रेनिंगां दित्तियां जांदियां हन, सिखलाइयां दित्तियां, हर किस्म की विद्या दित्ती जाती है। उत्थे उसनूं विद्यावां दित्तियां गईयां। पब्लिक विच आउण दा उसनूं हुक्म नहीं सी, उस चार दीवारी तो बाहर नहीं सी आ सकदा। उस थां उसनूं हर किस्म के स्वर्ग वर्गे सुख प्राप्त सन। 22 साल की उम्र विच विवाह शादी हो गया। कुछ समा रंग रलियां विच गुजरदा चला गया, पर दुनिया के सुख उसके मन नूं पूर्ण तृप्त ना कर सके। उसके मन के अंदर कोई खालीपन बने ही रहा, क्योंकि आत्मनंद तो बिना साध संग मन नूं कोई वस्तु, कोई दुनिया का सुख तृप्त नहीं करता है। अगर ऐसा हुंदा तो राजे महाराज जी जिसमानी सुखां नाल पूर्ण तृप्त हो जाते। स्वर्ग के राजे इंद्र वर्गे क्यों फिर कीड़ियां के जन्मां दे विच जांदे हैं। स्वयं इस करके अज उसके चित्त विच ख्याल आया, मना कल मैं राजा बनना है। जितनी देर तक मैं अपने पब्लिक के दुखा सुखा नहीं देखता, उन्हों का जाणू नहीं होंदा, उन्हों की परवरिश कैसे कर सकांगा। राजे चुली न्याय की, राजा का फर्ज न्याय करना है, पब्लिक नूं सुख देना है। जितनी देर तक उन्हों के दुखा सुखा की बाबत जाणू नहीं होंदा राजा, उन्हों की परवरिश, उन्हों के दुखा सुखा का मददगार कैसे हो सकता है। तांते इस वस्तु की वाकफी की लोड़ है। उहदे चित्त भी जबरदस्त शौक पैदा हो गया। अज उन्होंने समय के मोटर साडे देश नहीं सन अजे आईयां। बगियां का रिवाज सी, 8 घोड़े की बग्गी, 4 घोड़े की बग्गी, 2 घोड़े की बग्गी, 1 घोड़े की बग्गी, टमटम वगैरह यह जिस मेरे देखते सी पहले मोटर थोड़ी देर ते आईयां हैं। यह रिवाज होंदे सन। फौजां विच अजकल टैंक शैंक हो गए, उदों रसाले होंदे सन, घोड़ियां दे खच्चरां वगैरह यह जिहा काम हुंदा सी। खैरों उसने अपने नौकर नूं कहा एक बग्गी जोत के लिया। ले आंदी, बग्गी च बैठ गया। हुक्म किया और दरवाज़ा जो शहर के बाजार में जा रहा खोल दे, उधर चलो। दरवाज़ा खोल दिता। भावें उसके पिता का हुक्म सी बई मेरी आज्ञा बिना कितने नहीं इस चार दीवार तो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन उसके मन में जबरदस्त ये ख्याल पैदा हो मैं अपनी पब्लिक को देखा जरा जाके। सो यूं शहर में लोगों को पता लगे भी 22 साल असी अपना शहजादा नहीं देखा कल जिसने राजा बनना। उन्होंने भी दिल में ख्याल सी, लेकिन ये दिल में भी लोगों को पता लगे भी अज साडा शहजादा साडे विच आ रहा है, यानी बाजार विच आया है। लोग खुशी नाल, उन्होंने समय दे विच राजे महाराज बड़े चंगे हुंदे सन। पब्लिक भी छोटी खुदाई करके मनदी सी, क्योंकि पब्लिक नूं बड़ा सुख दिंदे सन। आप पिछले राजे महाराज देखे हैं, बाण वट के उहदी रोटी खानी, किसी ने कुछ मजदूरी कर रोटी खानी, पब्लिक का पैसा बिल्कुल नहीं खांदे। इहो जिहा कुछ मेहनत पब्लिक नूं सुख देना, बड़ियां तकलीफां दे नाल पूरा पूरा इंसाफ करना। तदे पूरा इंसाफ करते उन्होंने मन साफ होंदे सन। सो यूं करके यूं सब लोग उठ उठ के दोवें हथ जोड़ के सिर झुकाउंदे हन और सत्कार करते हैं। उनके सवालों का जवाब दिता चला जा रहा है। अगे जाते जाते बग्गी खड़ा दी गई। क्यों पुछण लगा नौकर नूं, चन्ना क्या बात है। बग्गी खड़ाई। वह कहने लगा सरकार, सड़क में एक बूढ़ा आदमी क्रॉस कर रहा, बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत नहीफ, बहुत कमज़ोर, जिहदी किहो जी हालत सी, इन्हें बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी सी, कमर विच कुब पिया सी, चेहरे च जिरड़ियां पईयां सन, अखां विच पानी जांदा सी, मूँह च दंद कोई नहीं सी, लाड़ां गिरदियां सन दंदरा होण करके, और अजीब जी हालत हो चुकी सी बुढ़ापे के कारण, जिसकी बाबत गुरु तेग बहादुर महाराज ने इस दिशा में यूँ फरमाया, सिर कंपियो, पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए बिध पई तऊ न हर असलीन। सिर कंबण लग पिया, पैर थिड़कण लग पे, नेत्रां दी जोत घट गई। सो इहो जी दिशा हो गई है, इंसान अफसोस तेरे ते, अजे भी तू भजन नहीं करता है। ये हालत है। इस दिशा नूं कबीर जी ने किसी मौके दस्या सी ना, अद्धा बोलो भाई। काले गए ने तोलियां दी वारी आ गई है, अजे भी नी नाम जपदा, अजे भी नी कबीर जी दी उम्र तकरीबन 60 साल की होगी। अज शीशा लैके देखण लगे, कन्न दे पास एक तौला आया। उन्होंने समय के 500 साल की गल है तकरीबन। गुरु नानक देव महाराज के वक्त कबीर जी होए हैं, सो अज नालों उम्र का एस्टीमेट उदों कोई ज़्यादा सी उम्र। 60 साल की उम्र एक तौला आना शुरू होंदा। सो इं जदों शीशा लैके देखे, कन्न पास एक तौला आया, चित विच बड़े उदास हो गए। उस मौके एक शब्द उच्चारण किया, थरहर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो, रहन गई मत दिन भी जाए, भंवर गए बग बैठे आए, काचे करवे रहे न पानी, मुँह चलिया काया कमलानी, क्वार कन्या जैसे करत सिगारा, क्यूरलियाँ माने बाज पथारा, काग उड़ावत पूजा पिरानी, कहो कबीरे कथा सिरानी। यानी कबीर जी ने अपने मन में समझाने कहा, बचपन में जवानी खा गई, जवानी हम बुढ़ापे ने मुँह पाया, अजय भी अपने समय नूं व्यर्थ ना गवा। काले गए ने दौड़ियां दी बारी आ गई है, भी नी नाम जप हाँ जी। यूँ एक बहुत बिरद, बहुत नहीफ, बहुत बुढ़ा आदमी सड़क गुजर रहा सी, जिहदी इहो जी दिशा सी। एक पैर ते 100 डोला खांदा सी, कमजोरी दे बायस सोटी दे नाल लकड़ी दे नाल तुरदा सी, कमर विच कुब पिया होया सी, चेहरे 'च जरड़ियाँ, अखां 'चों पानी गिरदा, दिसदा बहुत घट सी। मसा मसा पता नहीं कितनी देर विच उसने सड़क क्रॉस करनी सी। सो इहो जिहा आदमी सड़क गुजर रहा सी, बग्गी खड़ाउणी पई। नौकर कहण लगा, बग्गी चलाउण वाला कहंदा, सरकार एक बुढ़ा आदमी सड़क गुजर रहा है, सो ऐसा ना होवे बग्गी हेठां आ जाए, इस करके मैनूं जरूरी मजबूरन बग्गी खड़ाउणी पई। तो शहजादा छाठी बग्गी चों उतर के उस बुढ़े पास गया, कदे उसदे चेहरे वल तकदा, सारा अच्छी तरह गौं नाल पैरां तों सिर तक तकिया, तो चित्त विच बड़ा करना रस आ रहा है। हौली 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 वह बुढ़ा सड़क गुजर गया। जदों रस्ता हो गया, शहजादा फिर बग्गी च बैठ गया, बग्गी चला दी गई। जाने जाने हुण चन्ना नूं पुछदा है कि चन्ना, ये बुढ़ापा सब नूं आउंदा है कि गरीबां नूं ही आउंदा है या अमीरां, राजा राणियां बादशाहां नूं भी आउंदा है? वह कहणगे, सरकार ईश्वरी नेत जो है, ईश्वरी कानून है, वो किसी का लिहाज नहीं करता। ईश्वरी कानून यही है, बाल जवानी और बिरद फुन 3 अवस्था जान। बचपन जवानी बुढ़ापा, बचपन आंदा फिर जवानी आँदी बुढ़ापा, अगर शरीर बनया रहे। सो इस करके वैसे शरीर दी 5 अवस्था मनिया, जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु। आत्मा जो है अविनाशी है, ना जन्म लेंदा है ना मरद है, ना बचपन ना जवानी ना बुढ़ापा, उस दे विच रस वस्तु है। सब दा आपा जो है परमेश्वर दे अंश होण करके। सो शरीर जिहड़ा है ये कुछ देर वास्ते उस जीवात्मा नूं मिलिया होया है, सो ये इस तो ले लिया जाए। इंसान दी अपनी मैं शरीर विच आ गई है। अज्ञान दा पर्दा इतना स्थूल हो गया, बजाय आत्मा ने अपने आप नूं शरीर मनण लग पिया। शरीर दे जिहड़े दुख सुख और मन दे हर शौक अपने विच लैण लग पिया। सो उन्हां दा असर होण करके ये दुखी होण लग पिया। अगर अपने असली वास्तव स्वरूप में संभाले तो ये दुख हर्ख शोक ये सुभाव ही नहीं हैं। जन्मण देखो भूख प्यास है प्राण इत्यादि जे सुभाव न तू साक्षी सहजे चल शक न इसमें मान, इन्हां तो बरी है। खैर ये अवस्था पहले तो आती नहीं, जितनी देर तक पहले निष्काम शुभ कर्म करके सेवा भक्ति करके मन में शुद्ध एकाग्र करता है, फिर जाके ब्रह्म ज्ञान उत्पत्त होंदा है। उस दी उत्पत्ति तो बाद फिर ये अवस्थावां आउंदियां हन, फिर ये ज्ञान हुंदा है, फिर ज्ञान अवस्था आउंदी है, फिर ज्ञान दृढ़ हुंदा है। ज्ञान यानी निश्चय होंदा है फिर कदे भी नहीं भुलदा। जिवें अपने शरीर नूं कोई नहीं भुलदा हुंदा, वह अपने आपे नूं कदे भी नहीं भुलदा, सुपने विच भी नहीं भुलदा है। सो उहदे विच ही इहदी बुद्ध स्थित रहिंदी है। सो आइयों कहण लगा नौकर, ये सब नूं ही आउंदा है। सरकार गरीब है, अमीर है, राजा राणा है, कानून कुदरत दे सिर लिहाज नहीं करदे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਆਈ, ਮਨਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਇਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਛਾਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। उदासी होगी, कुछ वैराग होया। सासू सियाने पुरुष नूं जिहड़े दुख ये तजर्बा दिंदे हन। खैर सोचता चला जा रहा है, जांदे जांदे अगे फिर बग्गी खड़ा दिती गई। पुछणगे क्यों, की कारण, की सबब? कहण लगा सरकार एक बीमार है, कोई शख्स कोई सख्त तकलीफ सी उसनूं, सो बहुत ज़्यादा तकलीफ सी, उसका उपचार करने वास्ते बहुत सारे लोग अपनी हमदर्दी ज़ाहर करने वाले खड़े हैं, उपा कर रहे हैं, कई वैद हकीम भी हैं, दारू दर्म कर रहे हैं अपना, सो यूँ कोशिश कर रहे हैं। रास्ता है नहीं सी, सो इस करके कहना सरकार इतने बीमार है, रास्ता नहीं, इस करके ऐसा ना हो कोई बग्गी हेठा जे तो बग्गी खड़ाई। बीमार पहली उम्र च बीमारी बड़ी घट आती है, खास अच्छा परहेज परहेज पूरा रखे जाए फिर बहुत ही घट आती है। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਂ ਹੌਲੀ 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 ਪਿਛਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਟੇਕ ਆਈ, ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਸੋ ਰਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕੁਛ ਆਪਣੇ चले गए, कुछ इधर उधर हो गए। शहजादा फिर बग्गी च पै जाता है। फिर जाने जाने पुछता है क्यों बई चन्ना, ये बीमारी सबनों आती है कि ये गरीबों वास्ते मखसूस है या अमीर राजा राणे बादशाह भी आती है? वह कहने लगे सरकार कानून कुदरत किसी लिहाज नहीं करती, गरीब है, अमीर है, राजा राणे बादशाह। शरीर पंजा तत्तों का बने, मिट्टी, पानी, अग, हवा, आकाश। पंजे तत्त आपस में ही विरोधी हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਸਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿਆਧੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਤੇ। ਇਉਂ ਜਾਂਦੇ 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 ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਗੀ ਖੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। इंसान रूह और जिस्म दो चीज़ों का बने। रूह विनाशी चीज़ है, यदा अपना आपा है, जिस्म फानी चीज़ है। सो जदों मरदा है ये रूह चली जाती, जिस्म जड़ रह जाता है, कुछ हरकत नहीं करता क्योंकि प्राणे के निकल जाते हैं। प्राणे के समेत जीव आत्मा परलोक में जाता है। इस वास्ते तो कहने लगा ये मुरदा, उन्होंने फिर मुरदा पुकार देन, फूक देंगे, दब देंगे अपने रस्म रिवाज के मुताबिक। नहीं कीड़े चल जाने लगे, ऐसा ना किया जाए। वही भूत लगन लग पैंदा है जिहदे सारी जिंदगी गुजारी होंदी है। सो कहने लगे सरकार ये एक मुरदा लई, जनाजा लई आउंदे, मुरदा लई आउंदे, संस्कार करने वास्ते लई आउंदे। मुरदा की हुंदा है, सारी गल दसी। कहणगे इहदे विचों चेतन कला निकल चुकी है। वो चेतन अंश जिहड़ी है शरीर नूं लई फिरदी हरकत देण वाली, वो कीड़ी तो ला के ब्रह्मा तक, ब्रह्मा विच भी होई, शिव विच भी होई, विष्णु विच भी होई, हाथी विच भी होई, कीड़ी च होई, सब दे विच इक्को ही है। चेतन कला च कोई फर्क नहीं। पंजां तत्तां दे शरीर भी इक्को जे, लेकिन फर्क बनावट विच है। जिवें ए पखे हन, ट्यूबां हन, बल्ब हन, कोई कोई जीरो का बल्ब है, कोई 50 वाट का है। करंट जिहड़ा है वो इक्को चीज़ है। सो जिहड़ा चेतन अंश है वो करंट रूप है, सारा विच उह फर्क कोई नहीं है। फर्क है तो इधर अंतःकरण आदि विच जो कुछ है। सो यूँ करके कहने लगे वो चीज़ निकल गई है, मुर्दा हो गया है, मर गया, इसनूं मुर्दा कहने। खैर वो पिछे जिहड़े वो हितू सन, संबंधी सन, जिन्हों दुख सी, होर भी लोग उस मौके उही जी अवस्था दे ही हुंदे हन। उन्हां दे उपर भी असर होया हुंदा है। उन्हां देख के चित ते बड़ा असर होया शहजादे दे। ओहो आश्चर्य बात है। लंघे बग्गी च बह गया, पुछन लगा ये मौत सबनों आउंदी है? कहना सबनों ही आउंदी है। राणा राव ना कोहरे रंग न तुंग फकीर वारी आपको अपनी कोई न बने, गरीब अमीर राजा राणा कोई नहीं है तो बच सकता। मौत एडी बड़ी चीज़ है, वाहिगुरू की एडी प्रबल शक्ति है, इस ने किसी को नहीं छड्या है। होर की वक्त अखीर जदों आयु पूरी हुंदे शिव ब्रह्मा विष्णु आदि कारकुन हन एक ब्रह्मांड दे, इन्हां नूं भी नहीं छड्दे। सो ये सुन के तो पूरा ही वैराग हो गया भी अगर यही जी हालत है शरीर की आ हालत हो जानी है तो लानत है। सो कोई ऐसी अवस्था होनी चाहिए है मौत नूं बीमारी नूं और बुढ़ापे आदि नूं जे जित्तिया जाए। सो इसी तरह जाते जाते सोचता जा रहा। एक पास एक महात्मा बैठे हैं, बग्गी तो उतर के पुछन लगे भी कौन हैं? उन्हें कहा महात्मा हैं, साधु लोग हैं। इहदा की मतलब? कह इन्होंने अपना घर बार भजन वास्ते छड्डिया होया है, इन्हां कम ही यही है। जिमें जिमीदार का मुख कम खेती है, इसी तरह होर किसी का अपना अपना कम है, इन्हां दा मुख कम भजन है। इस वास्ते उन्हें सोचा भी इन्हां तो शायद मेरा मतलब हल हो जाए। शहजादा उतर के उन्होंने पास गया महात्मा, तो मैं हथ जोड़ के सिर झुकाया, कह लगा आप तो मैं एक गल पूछनी चाहना। पूछो। बीमारी नूं मौत नूं और बुढ़ापे नूं किवें जित्तिया जा सकता है? वो कह लगे हाँ। उन्होंने फिर समझाई गल इंसान तीन हिस्सियां दा है, जिसम मन और आत्मा। बीमारी बुढ़ापा और मौत ये जिसम तक महदूद है, मन दरमियानी चीज़ है। ख्यालात मन शरीर का असर अपने ते लेंदा है, वह स्वभाव मन का है। आत्मा इन्हां तो ऊपर है, आत्म वस्तु तक कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती। इंसान का अपना आपा असल आत्मा है। ये मन जिसमानी मन बनया होया है, मन शरीर नाल मिल के शरीर के स्वभाव भी अपने विच ले ले। इस मन जेकर ही मन उल्ट के आत्मा नाल जुड़ जाए, आत्मा के जिहड़े स्वभाव ना जमदा है ना मरदा है, ना बुढ़ा हुंदा, ना उस बीमारी है, ना कष्ट है, ना शोक है, ना चिंता है, ना फिक्र है। वो ऐन आनंद का सागर है। जे उहदे विच किते मन मिल जाए, अभ्यास करते करते ये सारिया गलों तो बरी होकर उच्चा हो जाता। ये चीज़ा हेठा रह जाएगियाँ। जिवें अपना इलाका बदल देवे कोई, जेठाड़ के महीने बीकानेर के इलाके में छड्ड के शिमले चला जाए, गर्मी हेठा रह जाती, ठंड चला जाए। ये उपाय है, ये अभ्यास दे नाल हो सकता। उन्होंने कुछ भेद दसे, युक्तियाँ दसियाँ। उसी वक्त शहजादा वापस मुड़ गया। उसके चित्त में इतना वैराग लग गया कदों वक्त आवे मैं ऐसा अभ्यास करके इस अवस्था को प्राप्त हो जाए। फिर उस शहजादे ने एकांत जाके बड़ा अभ्यास किया, अखीर वही महात्मा बुद्ध करके मशहूर होए। फिर उस अवस्था को प्राप्त होए। ताते इस तरह धरू वैराग विच आके अपने रात नूं माता नूं सुते मैं छड्ड के प्रभु की भगती करने वास्ते रोइयां नूं चलिया बाहर, चलिया करन तप मन वैरागी होए अतीता। मन हो किते वैरागी उठ चलिया जोग दे कमाउण वास्ते। हो किते वैरागी उठ चली जोग दे कमाउण वास्ते। सुत्या पैं छोड़ के बाहर में चला जाता है। गुरु स्तोत्र पढ़ो क्योंकि समा नहीं है। तन है धन है गुरु नानक साहिब धन है। सतनाम श्री वाहेगुरु बोल, सतनाम श्री वाहेगुरु बोल, अरदास वास्ते सावधान हो। तुम ठाकुर तुम निवारण हारा दुख हंता सुखरास, ताको विघ्न न को लागे जाकी प्रभु आगे अरदास। इक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए खर नौ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी, सब थाई होए सहाय। श्लोक महला दूजा। आपे जाने करे आप, आपे आने रास, तिसे अगै नानका खलै कीचे अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहेब, बोलो जी वाह। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहेब, बोलो जी वाह। चार साहिबजादे पंज प्यारे, 40 मुक्ते 4 तख्तां, सर्बत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके खालसा साहेब, बोलो जी वाह। जिन्ना गुरमुखां नाम जपया वंड छकिया, धर्म है शीश दिते चरखियां ते चढ़े, बंद बंद कुटवाए सिदक नहीं हारिया। तिन्ना सचियारियां प्यारियां सिदकवान, सिखां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा साहेब, बोलो जीवा। सिखां दा मन नीवा मत ऊंची, मत पत का राखा, आप अकाल पुरख वाहेगुरु सिखा नू सिखी दान। नाम दान भरोसा दान दाना सिरदान, श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान। चौंकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार सच्चे पातशाह, सिखी सिदक के सांस वासा संग निभाना। हे करना निधान सतगुरु जीओ, आप जी दे हजूर रात्रि दे दीवान सजाए हन, कीर्तन बख्यान होए हन। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करना, अगे वास्ते सुध स्पष्ट कीर्तन बख्यान करन दा वल बख्शो। हे मेहरबान गुरबाणी द्वारा विचारां कीतियां हन, इन्हां दा प्रभाव साडे कलयुगी जीवां दे हिरदियां ते वसाओ। आई संगत दी हाजरी आप जी दे दर ते प्रवान करो, नाम दान सिखी दान भरोसा बख्शो। आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है, आप जी भोग लाओ सीत प्रसाद साध संगत को मिले। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदक तो बचा के आप जी दे पवित्र चरण कमलां दी प्रीत बख्शो, सेई प्यारे मेल। जिन्ना मिलिया आप जी दा नाम अठे पहर चित आवे, कला वाहगुरु जी की वरते गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्बत का भला। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की मोले सोल निहाल।